हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स 2020 और 21 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे के अंतर्गत ग्रुप सी, ग्रुप डी या कोऑर्डिनेटर या अदर पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाले हैं, उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका एग्जाम किस डेट में होगा। जो कैंडिडेट RRB या RRC या फिर DMRCL के लिए अप्लाई कर चुके हैं और इन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस डेट में होगा, इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम किस डेट में होगा तो आपको यह वीडियो कम्प्लीटली देखना होगा। कम्प्लीटली देखने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स डेट 2020 और 21 की ओर। दोस्तों, अब मैं आपको अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स डेट्स 2020-21 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। RRB के अंतर्गत एग्जाम होने वाला है RRB मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2019 CBT। इसकी डेट रहने वाली है 15 दिसंबर 2020। जी हाँ दोस्तों, 15 दिसंबर 2020 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। RRC के अंतर्गत एग्ज़ाम है RRC ग्रुप डी लेवल 01/01/2019 CBT। इसकी डेट रहने वाली है 15 दिसंबर 2020। RRB के अंतर्गत NTPC एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2019 CBT एग्ज़ाम डेट। जी हाँ दोस्तों, CBT की एग्ज़ाम डेट रहने वाली है 15 दिसंबर 2020। दोस्तों, अब बात आती है DMRC लिमिटेड के अंतर्गत कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम है कोऑर्डिनेटर एंड असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर। इसके लिए आपका एग्ज़ाम होने वाला है 14 अक्टूबर 2020 को RRC ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत स्कॉट एंड गाइड्स कोटा ग्रुप सी के लिए एग्ज़ाम होने वाला है 3rd week of September 2020। जी हाँ दोस्तों, सेप्टेम्बर के तीसरे सप्ताह में यह एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। दोस्तों, ये थी आपकी रेलवे में होने वाले एग्ज़ाम की कंप्लीट जानकारी कि आपके रेलवे में एग्ज़ाम कौन कौन सी डेट में होने वाला है। दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।